वो कहते हैं ना कि कुछ कर गुजरने की अगर चाहत हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है, उसके लिए कोई भी सीमा नहीं होती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है यमुनानगर जिले के गांव सरावा के रहने वाले एक शख्स ने, जिसने कि कबाड़ में पड़ी सामान से लेकर मोटरसाइकिल जो है इन्वेंट की हैं। और ये नहीं, कोई भी पुरानी कबाड़ से कबाड़ अब मोटरसाइकिल है उसको एक बढ़िया लुक देने के लिए कारगर सिद्ध साबित हुए हैं। आपको दिखाना चाहूँगा ये मोटरसाइकिल, आप कमेंट करके बताएं कि ये मोटरसाइकिल कौन सी है, इसको अच्छे से लुक दिया गया। ऐसी एक पीछे भी मोटरसाइकिल खड़ी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। पूरी वर्कशॉप है, क्या करते हैं भाई, कैसे करते हैं, इनसे जानते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या नाम है और क्या जुनून है? नमस्कार जी, मेरा नाम मुकेश है और जो मेरे शॉप का नाम है वो कस्टम जोन और मोटरसाइकिल सलून के नाम से है। और बेसिकली हम यहाँ क्या करते हैं, जो मोटरसाइकिल्स होती हैं हमारे पास जो आती हैं वो होती हैं स्क्रैप, उनको हम क्या करते हैं अच्छी लुक देने के लिए हम क्या करते हैं उनको उसकी मॉडिफिकेशन करते हैं, पेंट जॉब करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास, जैसे कि ये पूरा मॉडल जो है ये डिस्कवर था और हमने इस डिस्कवर को एक बैरेट शेप में कन्वर्ट कर दिया। बैरेट शेप में क्या होता है कि हमारे पास जो अलॉय व्हील, फेंडर, टैंकी और कवर, शील्ड्स और साइलेंसर, ये हमारी सब चेंज हो जाती हैं। इसमें क्या होता है बेसिकली, जो हमारे पास क्या होता है इंजन वही रहता है और कार्बोरेटर वही रहेगा और चैसी वही रहेगी। इसमें क्या होगा मिनिमम चेंजेस, जैसे कि टैंकी चेंज कर दी और उसको हम कस्टम लुक दे देते हैं। साथ के साथ आप देख रहे होंगे अंदर एक एफजेड खड़ी है, वो ऑन वर्क है, उस पर हम अभी काम कर रहे हैं। वो एक कस्टम लुक में आ रही है, उसमें जिसमें कस्टम टैंक है, हैंडमेड टैंक है और हैंडमेड सीट है। साथ में जो उसमें टायर है वो 140 रेयर टायर है और 110 फ्रंट है। उसमें मतलब कि आप मोटरसाइकिलों को मॉडिफाई करके उनका नक्शा ही बदल देते हैं? हाँ जी सर। चलिए सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा मैं अपने कैमरा पर्सन से, कहूँगा कि बाइक का एक बड़ी राउंड लुक दिखाए कि ये कौन सी बाइक है, किस टाइप से बनाई गई है, क्या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन है, ये हम जानेंगे भाई साहब से। एक बड़ी राउंड लुक लगाइए रवि जी, कैमरा पर्सन राउंड लुक लगाइए और बाइक को दिखाइए कि किस तरीके से ये बाइक जो आप देख सकते हैं इसको तैयार किया गया है। ये डिस्कवर बाइक है और इसको इतनी बढ़िया फिनिशिंग दी गई है कि देखने में कि जबरदस्त जो है स्पोर्टी लुक दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि ऑफ रोडर बाइक टाइप बना रखी है। सर ये कौन सी बाइक है और इसको किस तरीके से तैयार किया गया और क्या मॉडल का नाम दिया गया? जो ये बाइक है इसमें बेसिकली ये डिस्कवर बाइक है, ये 2005 मॉडल है। क्या होता है कि जो ये बाइक थी इसके जो फ्रंट एंड फोक थे, यानी कि जिसको हम सस्पेंशन कह देते हैं, इसमें क्या हुआ था कि ये बिल्कुल डेड थे, डैमेज थे और इसमें डिस्क नहीं आती थी। जो स्टॉक है हमारे पास, जो स्टॉक है उसमें हमारे पास डिस्क नहीं आती, हमने इसमें डिस्क माउंट की है स्पेशल और इसका जो अलॉय है वो चेंज किया है। फ्रंट फेंडर जो दिया हुआ है वो हमारे पास वो चेंज है, वो भी कस्टम है। जो आप देख सकते हैं ये ग्रिल और लुक यूज़ की गई है, ठीक है जी। जो ये ग्रिल और ये लुक यूज़ की गई है ये हमारी कस्टम है, ठीक है। और जो इसमें इंडिकेटर यूज़ किया गया है ये मेटल इंडिकेटर है, ठीक है। और साथ के साथ जो आपके पास ये देख रहे हैं ये LED DRL है, इसमें हमारे पास ये रिंग है, ये ग्लो करता है रेड कलर में और ये इंडिकेटर्स हैं और ये हाई बीम और लो बीम्स हैं, ठीक है। स्टॉक का मीटर हम यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक का इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि क्या होता है कि हमारे पास कई बार उसमें गेजेस नहीं आती, तो हमने स्टॉक का मीटर ही यूज़ किया है। हैंडल बार को चेंज किया गया है, ठीक है। साथ में हमारे पास जो मेन पार्ट होता है वो होता है जिससे लुक हमारी बनती है, वो होती है टैंक। टैंक से क्या होता है हमारे पास एक मोटरसाइकिल की जैसे आप शेप देना चाहते हैं वैसी शेप आ जाती है, ठीक है। अब इस पेट्रोल टैंक में आप देख सकते हैं, इस पेट्रोल टैंक की हमने यहाँ पर ये पूरी शेप दी हुई है जिससे इसकी लुक एक बैरेट शेप में आ जाती है। कस्टम सीट है, हैंडमेड सीट है और ये जो कवर यूज़ किए गए हैं ये भी हैंडमेड है, ये टोटल हैंडमेड है और कस्टम गन मेटल पेंट किया गया है इस पर। साथ के साथ जो साइलेंसर है वो स्टॉक साइलेंसर होते हैं जो कि अवेलेबल हो जाते हैं आपको कहीं भी अच्छे मार्केट लेवल पे। जो इसका रेयर फेंडर है यानी कि मडगार्ड, वो भी कस्टम है और जो हमारे पास इंडिकेटर माउंट किए गए हैं उसको भी कस्टम तरीके से माउंट किया गया है। जो बैक लाइट है, इस बैक लाइट में हमारे पास ब्लिंकर LEDs लगाई हुई हैं ताकि आपको रात में अच्छे से दूर से दिखाई दे बाइक। और साथ के साथ जो हमारे पास साइलेंसर यूज़ किया गया है वो एक स्टॉक का साइलेंसर है, स्टॉक साइलेंसर है बट लेकिन इसको क्रोम किया गया अच्छे तरीके से और इंजन को हमने प्रॉपर लुक दी है।
अंदर से सर बाइक तैयार कर रहे हैं वो भी जरा मैं दर्शकों को दिखाई क्या चीज है और किस तरीके से तैयार की जा रहा है। ये एक तरह से एफजेड लुक है, इसमें जो हमारे पास ये बाइक थी ये पूरी टोटल डैमेज आई थी एफजेड में, इसकी चैसी बैंड हुई थी। हमने इसको क्या है, चैसी को सीधा करके हमने यहाँ पर क्या किया, इसका गैस टैंक पेट्रोल टैंक बनाया है। ये कस्टम सीट पूरी मैन्युफैक्चर की है, एक तरह से प्रोडक्ट एक तरह से बनाया गया है, पूरा का पूरा शेप दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास पैनल लगेंगे जिसमें हमारे पास कैफे रेसर माउंट किया जाएगा, लिखा जाएगा। साथ के साथ जो इसकी LED जो आगे की हेडलाइट है वो प्रोजेक्टर लाइट्स हैं, दो प्रोजेक्टर लाइट हैं, इसको भी अभी बना रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगी पूरा पेंट वर्क होने के बाद ये भी अच्छी लगेगी। साथ के साथ हमारे पास ये स्पेशली जो टैंक बनाए जाते हैं उसमें हमारे पास ये बक यूज़ किया जाता है। जब भी हम कोई टैंक बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, ये बक यूज़ करते हैं ताकि क्या होगा, इसे हमारी प्रॉपर शेप बन जाती है। इस बाइक में क्या है, हमारे पास ये एक अपाचे बाइक थी, ये मैंने एक कबाड़ वाले से उठाई थी, ये तकरीबन 8000 के करीब की बाइक मैंने ली थी और इसके ऊपर मैंने तकरीबन 20,000 राउंड लगाया है। और इसको मैंने एक स्क्रैम्बलर लुक में दिया है, स्क्रैम्बलर लुक में। इसमें क्या है, हमारे पास ये वुडन पैनल यूज़ किए गए हैं, ये प्रॉपर वुड से बने हुए हैं। ये अभी यूज़ कर रहा हूँ मैं बाइक, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसी हुई है, अदरवाइज जब इसको धोऊंगा वॉश करूँगा ये अच्छे से निकल आएगी। ये इन्होंने बनाई है बाइक, इसका नाम जो है स्क्रैम्बलर बता रहे हैं, और TVS अपाचे जो थी वो इन्होंने इसको मॉडिफाई किया हुआ है। तो चलिए अब जानेंगे इनके रेट्स वगैरह के लिए। अब बात तो होगी, हमने गाड़ियां दिखा दी, मोटरसाइकिल दिखा दी, अब बात करते हैं इनके ऊपर कॉस्ट क्या आती है, किस तरीके से खर्चा आता है और क्या कुछ आप चार्ज लेते हो, कैसे बनाते हो, क्या फंडिंग, क्या खर्चा आता है। खर्चे की तो बात ऐसे है कि जैसे हमारे पास जो टैंक है, जैसे कि पेट्रोल टैंक है, अगर ये हमें अवेलेबल होता है ठीक है तो उसके चार्जेस हम ऐड करते हैं, अदरवाइज अगर हमें बनाने होते हैं कि हमें मैन्युफैक्चर करना है अपने पास से और ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा पड़ जाएगी। अब जैसे बेसिकली टैंक्स हमारे पास क्या होते हैं, तकरीबन 1500 से लेकर 3000-4000 तक के होते हैं, बट लेकिन हम जब भी क्या है गैस टैंक बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट इसलिए हाई पड़ जाती है क्योंकि हम क्या करते हैं, जो टैंक होता है हमारे पास उसको हम अच्छे प्रॉपर वेल्ड करते हैं, उसमें जो मेटल यूज़ किया जाता है अच्छा थिक मेटल यूज़ किया जाता है, अच्छी गेज का मेटल यूज़ किया जाता है जिसमें कोरोजन कभी नहीं लगता। जैसे कि आप अंदर मोटर बाइक देख रहे हैं, तकरीबन उसको 3 मंथ हो चुके हैं पर उस पर अभी भी जंग नहीं आया, ठीक है। और साथ के साथ क्या है, जो पैनल बने होते हैं ये भी कस्टम मेड पैनल होते हैं, जो ये जो पैनल है ये कस्टम मेड पैनल है ठीक है, और हमारे जो पेंट वर्क होता है उसके ऊपर हमारे पास खर्चा आ जाता है। बेसिकली क्या होता है, इनमें जो कॉस्ट पड़ जाती है वो हमारे 25-30 के अराउंड पड़ जाती है, 25,000-30 के अराउंड। और साथ के साथ जो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एसेसरी होती हैं, एसेसरी का हमारे पास अलग से खर्चा आ जाता है, जैसे कि LED DRL होगी, ये हमारी 1500 से स्टार्ट होकर ये 3000 तक LED DRL होती है, और वो हमारी ये है कि वो कस्टमर की चॉइस के ऊपर, जब कस्टमर कहता है कि नहीं मुझे इस टाइप की LED चाहिए या इस टाइप की DRL चाहिए, तो उसी हिसाब से हम क्या करते हैं, कस्टमर के चॉइस के हिसाब से हम LED DRL यूज़ कर लेते हैं। और साथ के साथ इंडिकेटर, जैसे कि इस कस्टमर की जो चॉइस थी कि हमें इंडिकेटर वो वाले चाहिए जैसे कि बुलेट में यूज़ होते हैं स्मॉल में, तो ये मेटल के इंडिकेटर हमने यूज़ कर दिए इसमें। तो जो इस बाइक पे ऊपर जो कॉस्ट आई है वो आई है 28,000 के करीब। तो नॉर्मल अगर बाइक, कोई भी बाइक हो, स्प्लेंडर अगर मॉडिफाई करानी है तो शुरुआती जो रेट है, जो हमारे व्यूवर्स इस वक्त देख रहे हैं अगर उनका भी मन कर रहा है कि मैं भी सोच रहा हूँ कि अपनी प्लैटिना जो है वो मॉडिफाई करा लूँ, स्प्लेंडर मॉडिफाई करा लूँ, तो शुरुआती जो खर्चा है वो कितने से शुरू हो जाता है, मतलब कि एकदम से रेट ज़्यादा ना हो और हमारे कोई भी जो भाई है वो करवाना चाहें तो किस तरीके से शुरुआती खर्चा की जाना। जो शुरुआती खर्चा आता है हमारा, जैसे कि स्प्लेंडर आप लगा लो, स्प्लेंडर की मॉडिफिकेशन जैसे कि आपका हो जाता है, जैसे अगर उसका पेट्रोल टैंक नहीं चेंज करना है उसमें मॉडिफिकेशन बिल्कुल कम करनी है, तो आपका 8,000 से लेकर 15,000 के बीच में, जैसे कस्टम सीट्स हो गई, इंडिकेटर्स हो गए, हैंडल बार हो गए, और साथ के साथ आपके अलॉय व्हील हो गए, और विद टायर जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं टायर भी हमने डाले हुए हैं। हम इसके रिम को, बल्कि इसमें ये जो रिम है हमारे पास क्रोम आपको दिखाई दे रहा है, इसकी जो स्पोक्स है हम इसको क्या करेंगे, ब्लैक करेंगे और ये रिम पूरा रेड करेंगे ताकि इसको एक कस्टम लुक आए, और साथ के साथ जब ये टायर इसमें डालेगा उसकी लुक और अच्छी हो जाएगी,
उसकी मैं आपको वीडियो बनाकर भेजूंगा, तो जब वो तैयार हो जाएगा खुद आएंगे आपके पास दोबारा से। जी जी, तो आप देख सकते हैं कि पूरी दुकान के अंदर गैस सिलेंडर, सारे इक्विपमेंट्स हैं पूरा तरीके से। तो सर अब बात करते हैं कि आपको ये शौक था या किस तरीके से आपने शुरुआत की, कोई डिग्री वगैरह कर रखी है इसके लिए, कि किस तरीके से ये चीज़ आपने सोचा था और किस तरीके से आप ये कर रहे हैं? शौक तो यह है कि इंसान का कोई ना कोई शौक होता है, किसी को बाइक चलाने का शौक है, किसी को कार चलाने का शौक है, या किसी को पुरानी पुरानी गाड़ियां रखने का शौक है। मेरा शौक यह था कि मैं अपनी तरफ से एक बाइक बनाऊं जो लोगों को बिल्कुल पसंद आए, और जो यह है कि लोगों को अच्छी लगे और देखने में लुक अच्छी हो, और लोग ये कहें कि हाँ ये बहुत अच्छी बाइक बनी है, और साथ में ये रनिंग कंडीशन में है और ये सबसे यूनिक बाइक लग रही है, और इसका जो पेंट है वो भी अच्छा किया हुआ है। और शौक की बात यह है कि सर मुझे सिर्फ बाइक बनाने का शौक है, ज़्यादा चलाने का शौक नहीं है, बट यह है कि फिर भी लोग अगर डिमांड करते हैं कि मुझे इस टाइप की बाइक चाहिए, हम बना के देते हैं। हम नहीं बता रहे, आप फ़ोन नंबर बता दीजिए अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे तो किस तरीके से कर सकता है। सर मेरा मोबाइल नंबर है 9467860665, और मेरा गाँव सरावा है, यमुनानगर ज़िले में पड़ता है, सढ़ोरा के नज़दीक। और जिस भी भाई को कोई भी क्वायरी हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए, ठीक है। और अगर वे मिलना चाहते हैं, कोई कस्टम लुक दिखाना चाहते हैं, अगर उनके पास कोई बाइक की पिक है कि मुझे इसको इसमें कन्वर्ट करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये बाइक, इस बाइक में टैंक और सीट, जैसे कि आप देख रहे हैं ये टैंक और ये सीट, उसी बाइक की जो डिमांड थी, उस ब्रदर की जो डिमांड थी, उसी हिसाब से हमने क्या है इस एफजेड को मॉडिफाई किया है। वही कस्टम हमारे पास टैंक है, वही कस्टम हमारे पास सीट है। मतलब कि इस बाइक को आप ये वाली लुक देने वाले हैं? हाँ जी सर। तो ये कब तक तैयार हो जाएगी, हम दोबारा से देखने के लिए आएंगे इसको? ये सर विद इन अभी 3 मंथ तो लग जाएंगे इसको, क्योंकि इसका अभी पेंडिंग जो वर्क रहता है वो वर्क कम्प्लीट होगा, क्योंकि इसमें सीट भी बननी है, हैंडल बार और लाइट का वर्क भी है, फ्रंट फेंडर का वर्क भी है, और इंजन थोड़ा सा वर्क भी है, तो उसमें होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये आपने वीडियो देखी, वीडियो कैसी लगी हो? अगर आप भी अपनी बाइक को, मोटरसाइकिल को इस तरीके से बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी अपना कोई शिकायत सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी और भी वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और देखते रहिए आपका अपना फेवरेट चैनल SR71। कैमरामैन रवि जौहर के साथ सरनजीत सिंह।